नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज से गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का शुभारंभ हो गया है और इसी के चलते आपको हैरान कर देने वाली बात बता दें कि इस साल पितृपक्ष मेला महासंगम में आने वाली तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए पहली बार टेंट सिटी की व्यवस्था की गई है। जी हाँ दोस्तों, गया शहर में 3 स्थानों पर टेंट सिटी बनाया गया है, जिसका बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत ने टेंट सिटी का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान गांधी मैदान में बने प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। बताते चले कि गया शहर के गांधी मैदान में 2 टेंट सिटी और गया बौद्ध गया रिवर साइड रोड स्थित पॉलिटेक्निकल कॉलेज में 1 टेंट सिटी बनाया गया है। हर टेंट सिटी में 5,000 तीर्थयात्रियों के रहने की व्यवस्था है। इसके अलावा ये भी बता दें कि सरकारी स्कूलों में भी तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है, जिसके अनुसार कुल मिलाकर इस टेंट सिटी में एक दिन में 65,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था रहेगी। इतना ही नहीं, सुरक्षा की भी पर्याप्त व्यवस्था है। जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही पिंड दान करने वाले यात्रियों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। चलिए आगे मंत्री कुमार सर्वजीत जी से जानते हैं इस टेंट व्यवस्था से जुड़ी कुछ खास बातें। जब मैं आया था परसों यहाँ देखने के लिए, मैंने निर्देशित किया है कि पूरे कोने पे हमारा जो बड़ा बड़ा जो कूलर है वो सारे हम कूलर यहाँ पे लगा देंगे, और मुझे लगता है कि इसमें एग्जॉस्ट फैन भी मैं व्यवस्था करा देता हूँ। अंदर का जो है वो पूरा वो लेगा, उसकी मैं अभी तुरंत निर्देश देता हूँ, एग्जॉस्ट फैन लगवा देंगे और पूरी कूलर होगी। 10 कूलर की जरूरत होगी, 20 कूलर की जरूरत होगी, हम लोग लगाएंगे इसमें, और हमारा कोई भी तीर्थयात्री यहाँ से नाखुश होकर के नहीं जाएगा, मैं इतना आपको भरोसा। सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से क्या पुलिस प्रशासन है, जिलाधिकारी स्वयं लगे हुए हैं, सामान जो है पूरा यहाँ प्रशासन है, ऑलरेडी प्रशासन यहाँ पे है, प्रशासन देख रेख करेगी। और जो हमारा सिटी टेंट हाउस है उसको मैं अभी निर्देश कर देता हूँ कि अपने वॉलेंटियर्स यहाँ पे वो बैठाएंगे, ताकि सबके सामान का भी जो हम लोग देखेंगे। क्या बहुत अच्छा सवाल था आपको, टेंट सिटी में सर निःशुल्क व्यवस्था की भी बना हुआ है यहाँ पे, अगर कोई सूटकेस है, कोई सामान है तो लॉक रूम है, काउंटर हमारा बना हुआ है, लॉक रूम में वो रखेंगे और रखने के बाद पूजा करने जाएंगे और लॉक रूम की व्यवस्था है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।